हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बहुत सारे सिरेमिक पॉट। ये सिरेमिक पॉट किसके हैं, मेरे हैं या किसी और के हैं, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इनमें लगाने हैं काफ़ी सारे प्लांट्स, तो बल्क में प्लांट्स लगाने हैं। और मेरे पास अभी दो ही ऑप्शन हैं, वैसे तो ऑप्शन कुछ और भी हैं, लेकिन बल्क में लगाने के लिए मेरे पास अभी जेट प्लांट होंगे और रियो प्लांट हैं। तो सिरेमिक पॉट है, 12 पॉट हैं और 4 इंच का इनमें साइज़ है। तो इनमें बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट यानी कि सैपलिंग टाइप भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट भी नहीं लगा सकते हैं। पॉट के हिसाब से ही प्लांट हम इनमें लगाएंगे। तो दोस्तों, रियो प्लांट तो मेरे पास 5 हैं, इसके अलावा जितने बाकी पॉट रहेंगे उनमें लगाएंगे हम जेड प्लांट। जेड प्लांट की काफ़ी सारी कटिंग्स में हमेशा जब भी प्रून करती हूँ तो मैं उनको हमेशा ग्रो कर देती हूँ। इसमें गमले में है, बाकी कुछ और गमलों में भी काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी, जो कि बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही है। सो लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब में मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं, पानी दे दिया है, सेट हो जाएंगे, गमलों को भी धुल दिया है, प्लांट्स को भी धुल दिया है। तो अब मैं बताती हूँ ये एक्चुअली किसके हैं। तो मुझे नियर बाई सोसाइटी से एक लेडी ने इनमें प्लांट्स लगाने का ऑर्डर दिया है और ये पॉट्स भी उन्हीं के हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इनमें प्लांट्स लगा कर देने हैं। तो एक तरह से मेरा फर्स्ट मिनी ऑर्डर था बल्क में। और अगर आपको भी बल्क में ऐसे किसी को प्लांट्स गिफ्ट में देने हैं, या आप कोई छोटा मोटा ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर प्लांट्स आपको लगाने हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। जेड प्लांट, रियो प्लांट तो आपने देख ही लिए हैं, इसके अलावा मिनी वैरायटी के मिनी जो सिंगोनियम होता है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ड्वार्फ वैरायटी के वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड स्नेक प्लांट्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और बहुत सारे सकुलेंट्स होते हैं जो आप इनमें ग्रो कर सकते हैं, और एज अ गिफ्ट ऑफिस में, बर्थडे पे या किसी इवेंट में अगर आप देना चाहें तो उस तरह के छोटे छोटे से प्लांट छोटे पॉट में लगा कर दे सकते हैं। तो इस ऑर्डर को डिलीवर करने मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना था, जस्ट सोसाइटी के गेट तक ही जाना था, और वहीं से जिस लेडी ने मुझे ये ऑर्डर दिया था वो रिसीव करने वाली थी। तो इस तरीके से आप भी कोई छोटा मोटा सा अपना ऑर्डर ले सकते हैं, और या अगर किसी को गिफ्ट में देना है तो इस तरीके से आप प्लांट्स लगा कर दे सकते हैं। और फैमिली फंक्शन में अगर आपका ऐसा कोई नेचर लवर फ्रेंड है तो उनको भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्लांट्स हैं मेरे पास, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने कुछ जो मेरी सब्सक्राइबर हैं या मेरी कोई अच्छी फ्रेंड है तो मैं उन्हें प्लांट्स एज अ गिफ्ट और वैसे भी दे देती हूँ जिनको प्लांट्स लगाना पसंद होता है। ऐसी है गीता आंटी है, लेकिन आज हम गीता आंटी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मिसेज सीमा के पास जो मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं, और शी इज़ वेरी गुड इन नेचर और उन लोगों को प्लांट्स लगाना पसंद है। सो वो दूसरे ही टॉवर में रहती हैं, मैं उनके घर आ गई हूँ, उन्होंने बाहर भी गमले रखे हुए हैं, तो उनका फेस रिवील नहीं करूंगी, बट डायरेक्टली उनकी बालकनी में जाती हूँ। और यहाँ आकर देखा कि इनकी बालकनी में तो वर्टिकल स्टैंड इन्होंने बनवाया हुआ है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पॉट्स नहीं है, लेकिन इनके पास जितने भी पॉट्स हैं हैवी पॉट्स हैं, और इनमें इन्होंने प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं इनके पास। और जो इनका ये वर्टिकल स्टैंड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नीचे तो सारा स्पेस बच जाता है। अगर आपको अंदर से समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए, बाहर से मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट इन्होंने वर्टिकल स्टैंड, इनकी जो ग्रिल है, बालकनी की ग्रिल है, इसी में ही इन्होंने वेलवा के ऊपर छत तक इसको मिलवा दिया है, और इसमें इन्होंने गमले रखे हैं। इसमें आप हैंगिंग प्लांटर्स भी लगा सकते हैं, रेलिंग प्लांटर्स भी लगा सकते हैं, बेल वाले पौधे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे इसमें। सो आई होप सीमा जी का ये सेटअप आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा आपको ये सेटअप, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, अपनी सासूमा के साथ वॉक करते करते मैं एक नर्सरी पर गई, जहाँ मुझे एक मेरा विश लिस्ट वाला प्लांट मुझे मिल गया, ये है रियो ट्राईकलर। जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो आपसे शेयर करूँगी। एक रियो का प्लांट आपने ऐसा देखा होगा, ये ट्राईकलर वाला, इसमें वेरिएशन होता है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और पिंक, वाइट, और बहुत शानदार लगता है। पीछे से इसकी पर्पल पत्तियाँ होती हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ,
ये पूरे हफ्ते का कुछ ना कुछ अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना हमेशा ही अच्छा लगता है। आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। गार्डनिंग करते रहेगा। हैप्पी गार्डनिंग।